हरियाणा चुनाव के अंदर क्या गड़बड़ी हुई है? क्या हरियाणा का चुनाव धांधली करके जीता गया है? हरियाणा के चुनाव में ऐसा क्या था जो किसी को दिखाई नहीं दिया और नतीजों में साफ तौर पर दिख गया? हरियाणा के चुनाव के बाद में इस तरीके के सवाल अब हर किसी के जहन में उठ रहे हैं। हर कोई ये पूछ रहा है कि चाहे टीवी का मीडिया हो, चाहे गोदी मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, हर जगह पर बीजेपी की जब करारी हार दिख रही थी तो उसके बावजूद बीजेपी की इतनी प्रचंड जीत कैसे हो गई जो 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी की लहर में भी नहीं हुआ था, वो आज कैसे हो गया? और इसको लेकर के योगेंद्र यादव ने भी एक वीडियो जारी किया है। योगेंद्र यादव ने क्या बताया है आगे मैं आपको सुनाता हूं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आपके सामने 2014 का नतीजा रखिए और 2014 के नतीजे बताते हैं कि बीजेपी 47 सीटों की पार्टी थी। उस वक्त में बीजेपी अपने पूरे सबाब पर थी, नरेंद्र मोदी की तूती बोल रही थी, मोदी मैजिक, मोदी लहर, मोदी का करिश्मा, ये शब्द बहुत आम थे, इन शब्दों का बोलबाला था मीडिया से लेकर के और हर जगह पर। लेकिन उस वक्त में भी, उस लहर में भी बीजेपी जितनी सीटें आज हासिल कर पाई है, इतनी सीट बीजेपी हासिल नहीं कर पाई थी और वो एक तरीके से बीजेपी के लिए पहली बार चुनाव हो रहा था। तो यानी 10 साल में या तो बीजेपी ने हरियाणा का पूरा नक्शा पलट दिया है, पूरी काया पलट कर दी है और उसके बाद में सब कुछ हरियाणा के अंदर बम बम कर रहा है, हरियाणा का हर आदमी खुश है। और उसके बाद में जब मोदी का, जब खुद का उनका चुनाव 10 में से 5 पर आ गया, जब 6 महीने पहले इसी जनता ने 10 में से 5 सीटें ही सिर्फ मोदी को दी उनके खुद के चेहरे पर, लेकिन आज जब चुनाव हुआ और चुनाव में मोदी का चेहरा भी नहीं था, मोदी जी रैलियां भी नहीं कर रहे थे, मोदी जी रोड शो भी नहीं कर रहे थे, और उसके बावजूद आज लोगों ने उतनी सीट बीजेपी को दे दी जितनी सीट कभी नहीं आई। और आज लोगों ने तीसरी बार लगातार हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार बनवा दी जो कि आज तक किसी की नहीं बनी। तो ऐसा क्या हो गया जो हरियाणा लगातार सरकार पलटते हुए चलता रहा, या 10 साल तक एक सरकार चली उसके बाद तो निश्चित तौर पर सरकार को पलट ही दिया, ऐसा हरियाणा के अंदर क्या हुआ है? ये ना केवल मेरे लिए बल्कि आप सबके लिए और जितने भी पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं या नेता हैं, उन सब के लिए अपने आप में एक सोचने का बहुत बड़ा सवाल बन गया है कि आखिरकार ये क्या हुआ है। और फिर कहीं ना कहीं चीजें जाकर के वहां पर भी ठहरती हैं जहां पर बिल्कुल नहीं ठहरनी चाहिए, कि क्या इस चुनाव के अंदर धांधली हुई है, क्या इस चुनाव में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है और जिसके आधार पर बीजेपी के लोगों को इसका अनुमान नहीं था, उसके उलट जो है वो हो गया है। बीजेपी के लोग, मैं आपको बड़ी ईमानदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं, जहां जहां पर मैं कहीं पर जा रहा था तो लोगों से पूछता था कि क्या होगा आपके यहां पर, तो लोग कई बार कह देते थे कि हाँ ठीक है, हमारे यहां पर माहौल हो सकता है कि बीजेपी यहां पर सीट निकाल लेगी। लेकिन फिर मैं उसके बाद में सवाल करता था कि सरकार किसकी बनेगी, तो लोग कहते थे कि नहीं, सरकार तो हुड्डा की बनेगी, बीजेपी कांग्रेस की बनेगी। लेकिन आज वो तमाम लोग आप बताइए कि कहां चले गए। बीजेपी के अपने लोग वो भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर क्या कहा जाए? पत्रकार मंजुल ने, कार्टूनिस्ट मंजुल ने एक जो है वो बड़ा शानदार तरीके से ट्वीट किया है, वो कुछ सवाल उन्होंने सामने रखे, एक बार जरा आप भी देखिए। भाजपा की स्थिति हरियाणा में इतनी अच्छी थी कि कांग्रेस को नहीं दिखी, हरियाणा में जा रहे स्वतंत्र पत्रकारों को नहीं दिखी, हरियाणा में रह रहे स्वतंत्र पत्रकारों को भी नहीं दिखी, भाजपा के लिए सर्वेक्षण करने वाले उनको भी नहीं दिखी, चैनलों के लिए सर्वेक्षण करने वालों को भी नहीं दिखी, गोदी मीडिया को भी नहीं दिखी, गोदी मीडिया का एजेंडा सेट करने वाले गोएबल्स को, जोशी को भी नहीं दिखी,
खुद मोदी जी को भी नहीं दिखी, उन्होंने रैलियां भी कम कर दी और रोड शो भी कम कर दिए, उनके चेहरे पर चुनाव भी नहीं लड़ा गया, यहां तक कि नतीजे आने से पहले जनता को भी नहीं दिखा। तो यह बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार हरियाणा के चुनाव में ऐसा क्या था जो किसी को नजर नहीं आया। एक भी चैनल जो गोदी मीडिया का है या सोशल मीडिया का है उसने इतनी सीट, एक भी पत्रकार ने इतनी सीट बीजेपी को नहीं दी। तो ऐसा क्या हो गया कि भरी दोपहरी के अंदर अचानक से बारिश होने लगी, भरी दोपहरी के अंदर अचानक से अंधेरा छा गया, जबकि कोई भी वैज्ञानिक इस तरफ इशारा ही नहीं कर रहा था कि आज अंधेरा होगा। तो यह ग्रहण कैसे लगा? और सबसे बड़ी बात यह है, ना तो भाजपा के अंदर जो सर्वे करने वाले लोग थे कभी उन्होंने 50 सीटों का जो है दावा किया, ना कभी बीजेपी की तरफ से कोई नेता ने दावा किया, ना मोदी जी ने दावा किया, ना अमित शाह जी ने दावा किया। पिछली बार इसके उलट 75 पार का नारा अमित शाह जी की तरफ से दिया गया था, लेकिन इस बार वो भी कुछ नहीं बोले। तो आखिरकार ऐसा हुआ क्या है, ऐसा क्या हुआ है कि बीजेपी जिसकी दूर दूर तक कहीं पर उम्मीद नहीं थी और वो बीजेपी इतना भयंकर तरीके से इतनी सीटें यहां पर निकाल पाई। और दूसरी बड़ी बात, इसी चुनाव के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हुए हैं और जम्मू कश्मीर के चुनाव में जम्मू रीजन में भी बीजेपी को कोई ऐसा करिश्मा नहीं दिखा जो करिश्मा हरियाणा के अंदर दिखा। तो यह सवाल अपने आप में डाइजेस्ट करना लोगों के लिए, पत्रकारों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि कहीं पर कोई ऐसी बात नहीं दिखी, कहीं पर कोई ऐसा माहौल नहीं दिखा कि यह कहा जा सके कि इतनी बुरी हालत, इतनी बुरी स्थिति वो कांग्रेस की हो सकती है और बीजेपी के लिए इतना शानदार प्रदर्शन रह सकता है। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए, और दूसरी बड़ी बात यह है कि बीजेपी के वो कद्दावर नेता भी परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो यह होता कि आज हम बीजेपी हार जाती तो शायद ज्यादा ठीक रहता, क्योंकि वो खुद हार गए और बीजेपी इतनी प्रचंड बहुमत के साथ में जीत गई जिसमें कई बड़े नेताओं का, कई पूर्व मंत्रियों का नाम लिया जा सकता है। वो आज इस बात को सोच करके खुद हैरान है कि जब बीजेपी इतना सारा जीत रही थी तो हम कैसे हार गए, उनकी सीटों पर यह करिश्मा क्यों नहीं हुआ। कैप्टन अभिमन्यु वित्त मंत्री थे और कैप्टन अभिमन्यु पहली बार के जस्सी पेटवाड़ से 12,000 वोटों से एक तरफा हार गए, और उसके साथ साथ कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ वो कुलदीप वत्स के सामने 16,000 वोटों से हार गए। आज वो नेता भी परेशान है, उनके समर्थक भी परेशान है कि जब बीजेपी की इतनी जबरदस्त लहर थी तो आखिरकार हमारे नेताओं में क्या बुराई थी, हमारे नेता का तो और जबरदस्त बोलबाला था। और जो लोग कह रहे हैं जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति हो गई, तो आप ये बताइए कि ओम प्रकाश धनखड़ तो खुद जाट है, बादली की सीट पर वो हारे हैं ओम प्रकाश धनखड़, और वहां पर ओम प्रकाश धनखड़ 16,280 वोटों से हार गए, और दूसरे एक और मुकाबले में जाट उम्मीदवार निर्दलीय के तौर पर खड़े हुए अजीत, उनको केवल 10,000 वोट मिले। तो जाट वर्सेस नॉन जाट की अगर राजनीति थी तो कुलदीप वत्स जो कि कांग्रेस के विधायक थे, ब्राह्मण चेहरा थे, वो कैसे जीत गए, जबकि एक नैरेटिव जमीन पर यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। और कल तक भी मैं इस बात का जिक्र कर रहा था कि कुलदीप वत्स की जीत जो है वो हो सकता है मुश्किल हो या बहुत कम मार्जिन से जीते, लेकिन 16,000 अच्छे खासे मार्जिन से वो जीत गए। तो इस बार के चुनाव में जो हुआ है उसको लेकर के अपने आप में सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये आखिरकार कैसे हुआ, और इस पर योगेंद्र यादव क्या कह रहे हैं सुनिए एक बार। आज के चुनाव परिणाम, खासतौर पे हरियाणा के चुनाव परिणाम को देख के आज सुबह से मैं हैरान, और आज शाम को कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद थोड़ा परेशान भी। चारों तरफ से दोस्तों के फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, ये क्या हुआ। सच बताऊं मुझे पूरी तरह पता नहीं क्या हुआ। पिछले एक महीने से मैंने कहा कि मैं इलेक्शन भविष्यवाणी तो नहीं करूंगा सीटों की, लेकिन
मैं लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, भाषण दे रहा हूं इस मान्यता के आधार पे कि कांग्रेस स्पष्ट रूप से आगे है। मैंने एक से ज्यादा बार कहा कि सरकार तो कांग्रेस की बनेगी, अब हवा है, आंधी है, उससे ज्यादा ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन आज जो हुआ वो तो बिल्कुल अलग था, ना हवा, ना आंधी, ना और कुछ, बल्कि बिल्कुल उल्टा। जितने लोगों ने घूम के देखा उनमें से कोई व्यक्ति ऐसा मुझे अभी तक नहीं मिला जिसने कहा, और बीजेपी का समर्थक भी नहीं मिला जिसने कहा हो कि बीजेपी की मेजॉरिटी आने वाली है। बहस सिर्फ इस पे होती थी कि कांग्रेस कितना आगे रहेगी। पिछले दो साल, दो बार में, 2014 में, 2019 में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में जितने भी वोट मिले हैं, विधानसभा चुनाव में चार महीने बाद उसके वोट हमेशा गिरे हैं। अपेक्षा थी कि इस बार भी ऐसा होगा। हम ग्राउंड पे घूमे, हमारे कई साथी मिलकर ग्राउंड पे घूमे, देखा, साधारण लोगों से बात की, क्योंकि ऐसा किए बगैर मैं अपना मुंह नहीं खोलता हूँ, साधारण लोगों से बात की, और हमारा अनुमान उसके बाद भी ये था कि हाँ, जमीन पे तो यही दिख रहा है कि कांग्रेस आगे है। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस अप हुई है, बीजेपी डाउन हुई है, और अगर ऐसा है तो कांग्रेस का मेजोरिटी में आना स्वाभाविक था। जैसा मैंने कहा, जितने भी रिपोर्टर, एडिटर, संवाददाता, जिसने भी बोला, जिसको भी मैंने सुना या पढ़ा, एक भी नहीं मिला। आप आज भी पलट के देख लीजिएगा, अगर एक भी व्यक्ति ने कहा हो कि बीजेपी की मेजॉरिटी आ सकती है, तमाम एग्जिट पोल ने भी यही कहा। एक भी एग्जिट पोल नहीं है जिसका न्यूनतम वाला जो आंकड़ा है वो भी कहता हो कि कांग्रेस 45 से नीचे जा सकती है। मगर ये सब गलत हो सकता, हम तो गलत हो ही सकते हैं, इंसान है, गलती हो सकती है, एग्जिट पोल तो गलत होते ही, मैंने खुद ही साबित किया कि गलत है। मगर आज शाम को जब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ गंभीर आरोप लगाए कांग्रेस में, वहां के कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश जी और पवन खेड़ा जी ने कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर सकते, उन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी से प्रमाण दिए। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रमाण मैंने खुद देखा है, वो है नारनौल महेंद्रगढ़ जिले में। कांग्रेस ने कहा है ऐसी सूचनाएं उनके पास हिसार से भी हैं, पानीपत से भी हैं, और कहा है कि कल तक वो इस सारी सूचना को सार्वजनिक करेंगे। आरोप ये है कि कुछ काउंटिंग के दौरान कुछ ऐसे ईवीएम मिले जिसमें 99% बैटरी पाई गई खुलने के बाद। अब इतने घंटे काम करने के बाद 99% बैटरी क्यों थी, और जिन बैटरीज में 99% बैटरी पाई गई वहां कांग्रेस की परफॉर्मेंस खराब थी अपेक्षाकृत दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंस, दूसरी ईवीएम के, जहां बैटरी कम थी। मतलब अनकहा आरोप यह है कि उन ईवीएम के साथ कुछ खिलवाड़ किया गया है, छेड़खानी की गई है, वोटिंग समाप्त होने के बाद उनसे कुछ किया गया है। अभी गंभीर आरोप है, मैं नहीं कह रहा हूं कि सच है, हमारे पास अभी कोई प्रमाण इतना नहीं है उसको जांच करने का। चुनाव आयोग का जवाब भी मैंने पढ़ा, वो इतना टेक्निकल है कि मैं तो इंजीनियर नहीं हूँ, बैटरी और ये सब मुझे समझ नहीं आता, लेकिन मामला गंभीर है जिसकी जांच होनी चाहिए। तो पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ ये कि चुनाव आयोग की जिम्मेवारी बनती है कि इस सब के बारे में देश को आश्वस्त करे, चुनाव फेयर हो, निष्पक्ष हो, और जनता को दिखे कि निष्पक्ष है। दोनों जरूरी है। ये चुनाव आयोग कुछ समय से ऐसे काम नहीं कर रहा है, जनता के सामने पूरी स्थिति साफ करना। लोकसभा चुनाव के अंदर भी जितने वोट पड़े और जितने वोट गिने गए दोनों में अंतर था, चुनाव आयोग ने आज तक स्पष्ट नहीं किया कि ऐसा क्यों हुआ है। तो चुनाव आयोग से इतना मेरा अनुरोध है, हो सकता है आपकी बात सही हो सकता है अभी से कांग्रेस की बात पर विश्वास न करें, लेकिन चुनाव आयोग जनता के सामने पूरे तथ्य रखे। चुनाव आयोग अपना काम करेगा, लेकिन हम भी अपना काम करें, हम भी सोचें, एक क्षण के लिए मान लें कि जो परिणाम आया है वही है। हैरानी हुई शायद इसलिए कि हो सकता है हम गलत हुए, तो हम सोचें कि क्या गलती हुई होगी, सोचें कि ये परिणाम क्यों आया होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का मुकाबला करने के लिए जितना काम करने की जरूरत थी विचार में, जनता के बीच में, वो सब काम हुआ। आज के परिणाम से किसान आंदोलन का प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता, किसान आंदोलन की वजह से ही कांग्रेस मैदान में थी, उतने जो परिणाम हुआ उसके कारण ही कांग्रेस जो कि 30% पीछे थी 2019 में, वो कांग्रेस मैदान में थी, लेकिन
जो कुछ दूसरे चीज करनी थी वो क्या हुई? क्या जनता के मन में ये शंका रही कि भाई कांग्रेस आएगी तो इसका मतलब है एक जिले का राज, एक जाति का राज, एक परिवार का राज? क्या इसका समाधान, इस आशंका का निर्मूलन हुआ? क्या चुनाव में उस तरह की चुस्ती हुई जो कि होनी चाहिए थी? कांग्रेस के अलावा जन संगठनों को जितना काम करना चाहिए था क्या हमने उतना वो काम किया? मतलब कि जो चुनाव आयोग के सवाल हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन आज के इस नतीजे से हमारी चुनौती और गहरी होती है। महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, इन सब चुनाव में पहले से भी ज़्यादा और गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि हरियाणा में चुनाव का जो भी कारण रहा हो, जो भी वजह रही हो, अब उसे बीजेपी को वाइट वॉश करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये दिखाया जाएगा कि बीजेपी को कोई धक्का पहुंचा ही नहीं था, ये जो लोकसभा चुनाव में हुआ तो कोई बात ही नहीं थी, अब वापस स्थिति वैसे ही आ गई है और इस सरकार का दमनकारी चरित्र वैसे ही आगे बढ़ेगा। इसलिए अब महाराष्ट्र में और झारखंड में और शिद्दत से काम करने की जरूरत है। लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है, लेकिन हम सबकी भी जिम्मेवारी है। धन्यवाद। कुल मिलाकर के हरियाणा चुनाव का जो नतीजा निकल करके सामने आया है वो एक ऐसा नतीजा है जो लोगों के गले से नीचे नहीं उतर रहा है, और अगर ऐसा नतीजा होता तो मोदी जी अपनी छाप छोड़ने के लिए हो सकता है दो चार रोड शो तो कर ही देते। लेकिन क्या इतना जबरदस्त अंडर करंट था जिसको ना बीजेपी के चाणक्य समझ पाए, ना बीजेपी के जो है वो भक्त समझ पाए, ना बीजेपी के समर्थक समझ पाए? आखिरकार ये माजरा क्या था? आप भी सोचिएगा और आप भी जरूर बताइएगा। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भैया आपके एग्जिट पोल का क्या हुआ। बिल्कुल सही बात है, बहुत बुरी तरीके से लोकसभा चुनाव में कम से कम जो हमारा एग्जिट पोल था वो 10-15 सीटों के आसपास ठहरा था। 10-15 सीटों के आसपास जो है एक अनुमान, वो कोई बहुत बुरा नहीं है, लेकिन ये जो अनुमान है जिसमें मैंने खुद कहा था कि बीजेपी को 25 सीटों के आसपास आ सकता है और कांग्रेस को 55 सीटों के आसपास आ सकता है, और उसके उलट यहां पर तस्वीर दिखाई दे रही है, बीजेपी 50 सीटों पर पहुंच गई, तो यकीनी तौर पर मेरा आकलन पूरी तरह से खारिज हुआ, पूरी तरह से गलत साबित हुआ, और उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। लेकिन यह बिल्कुल सच मैं आपको कह रहा हूं कि पूरी ईमानदारी से जो चीज दिख रही थी उसको पढ़ करके, उसको समझ करके और बहुत कंजूसी के साथ में चीजें आपके सामने रखने की कोशिश की, और मैं ये मान करके चल रहा था कि बीजेपी के अंदर जो 25 सीट भी आएंगी तो 25 वो उम्मीदवार होंगे जो अपने बलबूते पर चुनाव को खींच करके लाएंगे, लेकिन यहां तो लहर थी साहब, 50 सीट आ गई, और ये 50 सीट का अनुमान किसी के पास नहीं था। कल तक इसके बारे में किसी को जरा सी भनक तक नहीं थी, और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया। आपके मन में भी क्या यही सवाल आ रहा है कि ऐसा कैसे हो गया? मुझे भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।